एक कॉन्शियस फैसला है, यूट्यूब पे आने का फैसला भी आपका तरफ से तो पोक करके नहीं आया था, इंसान ने खुद ने सोचा तो वो यूट्यूब पे आ गया। अभी वो सोच रहा है कि मैं यूट्यूब पे नहीं रहूंगा तो वो नहीं रहेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पे एक लेकिन अगर बात है पब्लिसिटी स्टंट की तो वो गलत हो जाता है, जहां पे पब्लिसिटी स्टंट एक तरीके से होता है कि भाई क्विट 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 ताकि थोड़ा सा मार्केट में हाइप बने। वो पीडीपी वाली बात है ना कि 50 मिलियन जब हो जाएंगे मेरे तब मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, तो इतनी हाइप बन गई उस चीज की और फिर चैनल डिलीट तो नहीं हुआ। तो सेम चीज है कि अगर आप इसको एक तरीके से मतलब ना मजाक करते हो, भेड़िया है वाली बात, देन इट्स बैड। ना 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 ना, चिंता मत करो। कई लोगों का बोलना है कि भैया आया भी अपनी मर्जी से, जाओ भी जाओगे भी अपनी मर्जी से। हाँ, मैं अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से जाऊंगा। मैं जाना चाहता हूं तो जाऊंगा, नहीं जाना चाहता तो नहीं जाऊंगा। जो मेरे हेटर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके नाम बड़े दर्शन छोटे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा और मैं उनको ये तसल्ली बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं छोड़कर चला गया। उनकी वाट लगाने के लिए कोई तो होना चाहिए। कई लोग इतना घमंड में चूर हो जाते हैं कि उन्हें अपने ही घर में ये पता नहीं रहता, क्योंकि यूट्यूब जो टेक कम्युनिटी है ये हमारे घर जैसा है, तो उनको यही नहीं पता रहता कि हमारे घर में किसको तकलीफ है, किसको हम मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उनको सिर्फ अपने से मतलब है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। टेक्निकल आपके लिए बुरा बोल रहे थे, बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, होता है। कई लोग नहीं करते सपोर्ट। जो स्ट्रगल देखता है ना लाइफ में, वो जब दूसरे इंसान को देखता है ना कि वो स्ट्रगल करने के बाद रुक गया है, तो उसकी मदद करता है। जिसने स्ट्रगल नहीं देखा वो नहीं करेगा। तो भैया हमें तो अपने देश में रह के अपने देश के लिए काम करना है ना, हम तो विदेश में नहीं रह सकते। ठीक है, हमारा तो कोई ऐसे करोड़पति खानदान है नहीं कि भैया कि हम हायाबूसा ले रहे हैं, मैसराटी में घूम रहे हैं, तो हमारा कुछ है नहीं ऐसा। हमें तो भैया यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। जिसने भी मुझे टारगेट किया भैया, तुम्हारी, मैं सबकी इन जनरल बोल रहा हूँ, जिसने भी मुझे टारगेट किया, मेरे बारे में बुरा बोला है, वाट लगाने वाला हूँ तुम्हारी। चिंता मत करो। तो टारगेट करने वाले टारगेट करते रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि मैं क्यों क्विट कर रहा हूँ, ये क्यों किया मैंने। वो लोग ये नहीं जानते, उनको बस बोलने में मतलब है, मैंने क्यों किया। और जो लोग टारगेट कर रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं, वो लोग बेवकूफ हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। अरे वो अपने आप ही जल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है मेरे को। अपने आप ही जल जाएंगे वो। उनकी आंखें देखो तुम, हेटर्स की आंखें देखो, खुलती भी नहीं पूरी। पता नहीं कौन सा नशा लेके बैठे रहते हैं वो, कौन सा सोल्यूशन लेके बैठे रहते हैं। गौर करोगे जो होते हैं ऐसे लोग, कई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनकी आंखें देखोगे फोटोज में वीडियोज में, वो खुलती तक नहीं है और वो मेरे बारे में बकवास कर रहे हैं। अरे भैया तुम पहले ड्रग्स लेना बंद करो, तुम्हारी आंखें खुलती हैं ठीक से। यूट्यूब किसको सपोर्ट करता है? सी समथिंग न्यू। बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं वो ही नया कुछ कर सकते हैं, मतलब उन्हीं से आप नई चीजें देख सकते हो। सी समथिंग न्यू, राइट? हाँ, उन्हीं को नया देख सकते हो। ये फालतू की चीजें, मुंबई में पार्टी करना, पार्टी कराना, 100K पार्टी और घंटा पार्टी, सी समथिंग न्यू, फालतू के ऐड बनाना, ठीक है, कोई मतलब नहीं उनका। अरे आपको सपोर्ट करना है, कुछ नई चीजें दिखानी है। छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, कमाल का कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चैनल देखे हैं जो मैजिक ट्रिक्स बताते हैं, नई नई चीजें। उस बेचारे के 1,000 सब्सक्राइबर नहीं है, वो कुछ नया बता रहा है, लेकिन यूट्यूब उसको नहीं देखेगा ना। वो उन्हीं को देखेगा जिनके 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वही नया कर सकते हैं, क्योंकि वो चेहरा है ना लोगों का, उसको वो दिखाएंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, राइट? और यूट्यूब को सिर्फ बिजनेस से मतलब है, उसको आपके टैलेंट से कोई मतलब नहीं है। सीधी बात, यहाँ तो भैया वही चलता है जिसकी पहुंच मुंबई में होती है, जिनकी जो पार्टी वार्टी में जाते हैं यूट्यूब की, और बस हमारे जैसे लोगों को कोई नहीं पूछता। सच्चाई है ये। और कई लोग तो यूट्यूब से इतने डर के रहते हैं कि वो यूट्यूब के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब की पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा उन्हें ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, समझा करो बात को। तो वो सब यूट्यूब के ही होते हैं, और यूट्यूब के खिलाफ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो यूट्यूब के खिलाफ कभी कभी कुछ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। वो उन्हीं के आदमी है, वो आपके नहीं है, वो यूट्यूब के, वो आपके सगे नहीं है, वो यूट्यूब के सगे। सीधी बात, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं इन फ्यूचर कुछ भी करूं, टेक्नोलॉजी नहीं या कुछ भी करूं, तो आप यहां कम से कम मेरे से कनेक्टेड रहे। ओके, टेक्निकल गुरुजी ने आपको गलत कहा, उन्होंने मेरा नाम लिया। अगर उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे बताओ, बाकी समझने वाले समझ जाते हैं यार कौन किसको गलत बोल रहा है, और जनता पागल नहीं होती, समझ जाती है। लेकिन अगर उन्होंने मेरा नाम लिया है तो प्लीज आप उसके बारे में मुझे बताएं। बाय।